व्हाट इज वायर फ्रेमिंग? वायर फ्रेमिंग क्या है? हाउ यू आई यू एक्स डिज़ाइनर्स क्रिएट वायर फ्रेम्स? यू आई यू एक्स डिज़ाइनर्स वायर फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं? हाउ वायर फ्रेम हेल्प यू आई यू एक्स डिज़ाइनर्स इन प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग? प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में वायर फ्रेम यू आई यू एक्स डिज़ाइनर्स की कैसे हेल्प करते हैं? इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ऑल दिस क्वेश्चंस एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस. वायर फ्रेमिंग एक प्रैक्टिस है जिसमें UI UX डिज़ाइनर मोबाइल या वेबसाइट के डिज़ाइन को प्लान करता है और प्लान करने के बाद उसको एग्जीक्यूट भी करता है. एग्जीक्यूट किस लिहाज से करता है कि ये जो प्रोडक्ट मैंने डिज़ाइन की है ये किस तरह लगेगी और यूज़र इस प्रोडक्ट को किस तरह यूज़ करेगा. वायर फ्रेमिंग में UX डिज़ाइनर्स का फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पर होता है. वो क्या चीज़ है कि यूज़र इंफॉर्मेशन को किस तरह प्रोसेस करेगा और वो डिफरेंट स्क्रीन्स या डिफरेंट एक्शंस को किस तरह परफॉर्म करेगा. और ये सारा कुछ उस इंफॉर्मेशन पर डिपेंड कर रहा होता है जो UX डिज़ाइनर ने यूज़र रिसर्च में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी. व्हाट इज़ द बेस्ट अप्रोच टू क्रिएट वायर फ्रेम्स? नंबर वन इज़ टू डू रिसर्च. रिसर्च में आपको दो चीज़ों का पता होना ज़रूरी है. वो दो चीज़ें क्या हैं कि आप क्या डिज़ाइन करने जा रहे हैं और किसके लिए डिज़ाइन करने जा रहे हैं. आप जिसके लिए डिज़ाइन करने जा रहे हैं क्या आपको उनकी प्रॉब्लम्स का पता है या नहीं? अगर तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स का पता है तो फिर आप एक अच्छा वाइड फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं. और अगर आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर का नहीं पता तो फिर आपको इस स्टेप में इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर का पता करना है विद द हेल्प ऑफ 3 W's. ये 3 W's क्या हैं? नंबर 1 W इज हु विल बी यूजिंग इट. मीन्स जो वायर फ्रेम आप क्रिएट करने जा रहे हैं या जिस प्रोडक्ट के लिए आप वायर फ्रेम क्रिएट करने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट के टारगेट ऑडियंस क्या हैं या कौन से यूजर्स हैं जो इस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे. नंबर 2 W इज व्हाट इज़ देयर गोल. मीन्स वो टारगेटेड ऑडियंस या वो यूज़र्स जिनके लिए आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं वो किस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं. नंबर 3 W इज व्हाट आर देयर एक्शंस गोल्स और स्टेप्स दे लाइकली टू परफॉर्म. वो कौन से एक्शंस ऑपरेशंस और स्टेप्स हैं जो टारगेटेड ऑडियंस या वो यूज़र्स यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं. इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर जानने के बाद फिर ही आप एक अच्छा वायर फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं. नंबर 2 स्टेप इज टू स्टार्ट स्केचिंग द वायर फ्रेम. फर्स्ट स्टेप में रिसर्च करने के बाद आपके पास काफ़ी हद तक नॉलेज आ गई है कि यूज़र की प्रॉब्लम क्या है और वो किस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना चाहते हैं. सो अब आप इस पोजीशन पर हैं कि आप स्केचिंग को स्टार्ट कर दें विद द हेल्प ऑफ योर क्रिएटिव माइंड, योर क्रिएटिव थॉट, योर क्रिएटिव आइडियाज़ जो के यूज़र की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें. ये स्केचिंग आप किसी पेपर पर भी ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेन और पेंसिल या आप किसी वाइट बोर्ड पर भी ड्रॉ कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप डिजिटली भी ये स्केच ड्रॉ कर सकते हैं. स्केचिंग के वक्त आपने हर कॉन्सेप्ट, हर स्क्रीन और हर स्टेप के प्रोज एंड कॉन्स को भी माइंड में रखते हुए स्केचिंग करनी है. इस स्टेप में आपने कोई कलरफुल चीज़ नहीं डिज़ाइन करनी और आपका फोकस सिर्फ एक चीज़ पर होना चाहिए कि आप यूज़र की प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर क्रिएटिविटी. नंबर 3 स्टेप इज एम्फसाइज. एम्फसाइज में हम स्केच को अगेन देखते हैं और जितने भी हमारे स्कैटर्ड यानी बिखरे हुए स्केचेस हैं उनको हम कंबाइन करते हैं और उनको कंबाइन करने के बाद उनमें कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं और उनकी जो मिसिंग डिटेल्स हैं हम उनको भी ऐड करते हैं. मिसिंग डिटेल से मुराद ये है कि यूज़र एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर किस तरह जाएगा या यूज़र एक एक्शन से दूसरे एक्शन पर किस तरह जाएगा या कहां पर
या किस स्क्रीन पर कौन सा पॉपअप हमने शो करना है। और यहाँ पर आप नोट्स भी ऐड कर सकते हैं। नोट्स किस लिए कि आप स्क्रीन को पॉइंटिंग करें विद द हेल्प ऑफ एरो और पॉइंटिंग के साथ डिस्क्रिप्शन भी ऐड करें ताकि यूज़र को देखते ही पता चल जाए कि मैंने किस स्क्रीन के बाद किस स्क्रीन पर जाना है और कौन सी स्क्रीन पर जाके मैं कौन सा टास्क परफॉर्म कर सकूँगा। और एक और बात, डोंट ट्राई टू स्टे ऑन वन डिज़ाइन। आपने अपने एक ही डिज़ाइन पर नहीं रहना है, आपने अपने वाइड फ्रेम डिज़ाइन या स्क्रीन्स की डिफरेंट वेरिएशंस बनानी हैं और उन्हीं डिफरेंट वेरिएशंस को आपने यूज़र के सामने रखना है ताकि यूज़र डिसाइड कर सके कि कौन सा डिज़ाइन उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। सो योर वाइड फ्रेम शुड बी द स्ट्रॉन्ग एंड कवर ऑल द यूज़र प्रॉब्लम्स ऑफ द टारगेटेड ऑडियंस। नंबर फोर्थ स्टेप इज टू कम्युनिकेट विद यूज़र फ्लो। इन दिस स्टेज यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज इनटू योर डिज़ाइन एंड मेक डिसीजन अबाउट दैट थिंग्स विच आर नॉट स्टिल विजिबल इन वाइड फ्रेम्स। जब भी आप वाइड फ्रेम क्रिएट कर रहे होते हैं तो वाइड फ्रेम क्रिएट करते वक्त बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि मिस हो जाती हैं। इस स्टेप में आपने अपने थॉट्स एंड आइडियाज़ को दोबारा से कलेक्ट करना है और जो चीज़ें मिस रह गई हैं या वो वाइड फ्रेम पर अभी विजिबल नहीं हैं उनको भी आपने ऐड करना है, क्योंकि एक गुड डिज़ाइन या एक गुड वाइड फ्रेम स्टोरी टेलर होता है। स्टोरी टेलर मीन अगर कोई यूज़र आपके वाइड फ्रेम को देखे तो उसे देखते ही पता चल जाए कि मैंने किस स्क्रीन से किस स्क्रीन पर जाना है और किस एक्शन से किस एक्शन पर जाना है। एक अच्छा वाइड फ्रेम क्रिएट करने के लिए आपको दो तरह की कम्युनिकेशन साथ लेकर चलनी पड़ती है। वो दो तरह की कम्युनिकेशन कौन सी हैं? नंबर वन इज़ कि वाइड फ्रेम जो आप क्रिएट कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं और इसके क्रिएट करने की वजह क्या है, मीन्स यूज़र प्रॉब्लम। और दूसरी चीज़ है डिवेलपर से इंस्ट्रक्शंस लेना कि कौन सी चीज़ कोड में इम्प्लीमेंटेबल है और कौन सी चीज़ नहीं है। अ गुड यू आई यू एक्स डिज़ाइनर हैव इनफ नॉलेज अबाउट वट डिवेल्पर वॉन्ट। एक अच्छे यू आई यू एक्स डिज़ाइनर को इस चीज़ का पता होता है कि डिवेल्पर क्या चाहता है, मीन्स कौन सी चीज़ आपके डिज़ाइन में से इम्प्लीमेंटेबल है और कौन सी चीज़ इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। और अगर किसी यू आई यू एक्स डिज़ाइनर के पास इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो सबसे पहले अपनी डिवेल्पर टीम के साथ टाइम स्पेंड करें और फिर ही वायर फ्रेम को क्रिएट करें। नंबर फिफ्थ स्टेप है टू टेस्ट योर इंटरफेस। इस स्टेज पर आपने अपने यूज़र फ्लो को टेस्ट करना है। टेस्ट आपने किस तरह करना है? आपने उस पर्सन के थ्रू टेस्ट करना है जिसको यूज़र प्रॉब्लम के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग है और जो यूज़र के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सके और यूज़र्स की तरफ से दी गई फीडबैक आपको लाकर दे सके। अगर तो आपके वाइड फ्रेम यूज़र की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं देन इट्स गुड, और अगर आपके वाइड फ्रेम्स यूज़र की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे तो अब आपको वाइड फ्रेम दोबारा से क्रिएट करना पड़ेंगे। और आपने ये प्रोसेस तब तक दोहराना है जब तक कि आपके प्रोडक्ट रिलीज नहीं हो जाती। नाउ योर टर्न, लेट मी नो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन बाय लीविंग द कमेंट। यू आई यू एक्स डिज़ाइनर्स डिडंट यूज पेन पेंसिल एंड पेपर इन क्रिएटिंग वाइड फ्रेम। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड कमेंट्स रिगार्डिंग दिस वीडियो पॉप देम इन द कमेंट सेक्शन। If you like this video, hit the thumbs up icon to like this video. Subscribe my channel and hit the bell icon to turn on the notifications. And we will see in next video with new topic. Till next time, take care and have a great day.